सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा सदाशिव की परम लाडली संतान। प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज मुरली सार प्रस्तुत करने से पहले हम यश जी को निवेदन करते हैं कि वो हमें एक रूहानी गीत सुनाए। ओम शांति। हम तो एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं, परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं, सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ, चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते यहाँ, जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं, खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं, कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना, सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना, याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं, कर्म योगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना, और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना, खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं, सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं, तन में चमकते तारे हैं। बहुत ही सुंदर गीत है। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। इसमें ये भी कहा कि कर्म योगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना, हमें कर्म योगी बनकर इस संसार में ये जो जगत का खेल है उसको खेलना है, प्रभु को साथ रख के खेलना है, और फिर होकर के साक्षी कर्म अपने देखना। बहुत सूक्ष्म बात है, तभी हम कर्मातीत होंगे अगर हम कर्मों के भी साक्षी हो जाएंगे। आज की मुरली का जो सार है वो सुनते हैं मीठे बच्चे। शिव बाबा आए हैं
तुम्हें राजयोग सिखलाने के लिए। भगवान किस लिए आते हैं? राजयोग की शिक्षा देने के लिए। शिव बाबा के सिवाय कोई भी देहधारी, कोई भी गुरु गोसाई, पीर पैगंबर ये राजयोग सिखला नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए जो आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान चाहिए वो होता नहीं उनके पास। आज प्रश्न, तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है और कौन सी नहीं? भक्ति मार्ग में हमने खूब भक्ति की तो बाबा कहते हैं जो तीव्र भक्ति करते हैं उन्हें प्रभु का दीदार हो जाता है। जो भी जिस भी रूप की याद करते हैं, कई बार वो यथार्थ परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता लेकिन उनके इष्ट का साक्षात्कार होता है। बाकी सदगति तो किसी की बाबा कहते हो ही नहीं सकती ना। सदगति करने वाला तो एक परमेश्वर सदाशिव वही है। कोई भी वापस घर नहीं लौट सकता, बापा के बिना वापस कोई ले जा भी नहीं सकते। ये बना बनाया ड्रामा है। तुम बच्चों को भी आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान मिला है तो तुम बच्चों को उस ज्ञान के द्वारा ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आत्मा ही स्वर्गवासी और नरकवासी बनती है। अगर हम चाहते हैं कि हम संपूर्ण कर्मातीत बन जाएं, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, तो बाबा ने कहा उसमें जो व्यर्थ संकल्प विघ्न डालते हैं, इसकी कंप्लेंट को अगर खत्म करना चाहते हो भी हमें व्यर्थ संकल्प ना आए, तो अपने मन को बिजी रखना सीखें और अपने समय की बुकिंग कर दें, जैसे टाइम टेबल बनाते हैं। यही आसान तरीका है। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना, ये प्रोग्राम बनाओ और रोज अपने मन को चार बातों में बाबा ने कहा बिजी रखो। वो बहुत अच्छी चार बातें बाबा ने बताई। एक तो मिलन में बिजी रखो, परमात्म मिलन में, आत्म परमात्म मिलन, उसको रू रिहान भी कहते हैं सूक्ष्म वतन में अगर करते हैं, नहीं तो परम धाम में बीज रूप अवस्था में चले जाएं। दूसरी बाबा ने कहा वर्णन। वर्णन जो करना है वो ज्ञान का ही वर्णन करना है, कोई दूसरा वर्णन नहीं करना, रूहानी सेवा में बिजी रहना है। तीसरा बाबा ने कहा मगन अवस्था में रहो, खोए खोए रहो, इस दुनिया से परे रहो, और आपकी लगन चौथा है पक्की हो। तो लगन, मगन, वर्णन और मिलन, इन चार चीजों में अगर मन को बिजी रखेंगे इससे समय हमारा सफल हो जाएगा। और जो हम कहते हैं ना हमें वेस्ट थॉट्स बहुत आती हैं, वो बाबा कहते हैं समाप्त हो जाएगी अगर अपनी टाइम की बुकिंग अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति शांति।